हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट कोर्स का लेक्चर फर्स्ट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा कोर्स अपलोड करने का क्या एम है। एट मार्च 2020 आफ्टर लॉकडाउन मैंने स्टॉक मार्केट में एंटर किया एंड ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज मैंने मार्केट में काफ़ी लॉस किया और फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया स्टॉक मार्केट के बारे में, लेकिन किसी ने भी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक वीडियोस नहीं अपलोड किए थे। और अगर किसी को बेसिक से एडवांस तक सीखना है तो उन्हें कोर्स बाय करना पड़ेगा और एक स्टूडेंट के लिए कोर्स की फ़ीस अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि कोर्सेज की फ़ीस काफ़ी हाई थी। सो मैंने डिसाइड किया कि एक कोर्स डिज़ाइन किया जाए जिससे कोई भी बेसिक से लेकर एडवांस तक फ्री में सीख सके। हमारे कोर्स के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स की PDF डाउनलोड करने की लिंक मिलेगी। तो चलिए चलते हैं लेक्चर के फर्स्ट टॉपिक में, जो कि है व्हाट इज मार्केट। मार्केट क्या है? आप सभी कभी ना कभी मार्केट तो गए ही होंगे। ये वही मार्केट है। मार्केट इज अ प्लेस जहां पर बायर्स और सेलर्स इन्वॉल्व होते हैं एंड सेलर्स को अपने गुड्स या सर्विसेज को सेल करना होता है और बायर्स को उस गुड्स या सर्विसेज की डिमांड होती है जिसके लिए उसे वो बाय करता है ना। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है व्हाट इज स्टॉक। स्टॉक को इक्विटी और शेयर्स भी बोलते हैं। स्टॉक एक सिक्योरिटी की तरह होता है जो किसी कंपनी में कुछ परसेंट की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास उस कंपनी के कितने शेयर। अब स्टॉक एक सिक्योरिटी की तरह क्यों होता है? सपोज़ आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही और आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो आप उस शेयर्स को बेचकर अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, इसलिए स्टॉक को एक सिक्योरिटी की तरह होता है। अब हम लोग एक एग्जांपल देते हैं कि किसी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं और एक पर्सन है उसके पास उस कंपनी के 100 शेयर्स हैं तो वो पर्सन उस कंपनी में 10% की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है एंड उस कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% उस पर्सन को मिलेगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग होती है। अब आपको स्टॉक्स बाय या सेल करना है तो आप कहां से करेंगे? उसके लिए एक्सचेंजेस होते हैं NSE एंड BSE। जैसे आप किसी शॉप से कोई चीज़ बाय करते हैं वैसे ही आप ये एक्सचेंजेस को शॉप की तरह मान सकते हैं। NSE और BSE के बारे में डिटेल में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कंपनी शेयर्स क्यों इशू करती है। जैसे कोई बिजनेस है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब कंपनी क्या कर सकती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या तो वो बैंक के पास जाए और उससे लोन ले इस और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे। लेकिन उससे भी एक बेटर ऑप्शन होता है कंपनीज के पास, अपने शेयर्स को इशू करने का। तो कंपनी अपने शेयर्स को इसलिए इशू करती है क्योंकि उसे और ज्यादा पैसे की जरूरत होती है अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए। और जो इन्वेस्टर होते हैं वो उस कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं और उस कंपनी के कुछ पार्ट के ऑनर बन जाते हैं, जिससे कंपनी को जो पैसे की जरूरत होती है वो पैसे मिल जाते हैं, उससे वो अपने ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करने होते हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वो करती है। पैसे को रेज करना बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स इज नोन एज इक्विटी फाइनेंसिंग। पैसे को रेज करना, इशू शेयर को इशू करके, इसको इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप कोई शेयर्स को बाय करते हैं और उसे मोर देन 1 ईयर के लिए होल्ड करते हैं तो उससे आपका जो भी प्रॉफिट अर्न होता है उसे LTCG कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिविडेंड। डिविडेंड वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जो कि आप शेयर को खरीद के करते हैं। आप किसी शेयर को खरीदते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं, उस पर आपको जो भी रिटर्न मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। जैसे आप बैंक्स में पैसे डालते हैं, FD करते हैं या सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही जब आप शेयर्स को बाय करते हैं तो उसके बदले में आपको डिविडेंड मिलता है। बैंक में आपको इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है, लेकिन अगर कंपनी किसी भी कंपनी के लिए ये मैंडेटरी नहीं होता कि वो आपको डिविडेंड देगी। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू शेयर्स की दोनों अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली जोमेटो लिस्ट हुआ था तो जोमेटो की जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपए है एंड जो जोमेटो की मार्केट वैल्यू है वो 90 रुपए है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। तो फेस वैल्यू वो ओरिजिनल कॉस्ट होती है जो कि शेयर सर्टिफिकेट में लिखी होती है। एक्चुअली फेस वैल्यू वो होती है जिसपे प्रमोटर शेयर्स लेते हैं। प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर जो कंपनी को स्टार्ट करता है,
ये हम अभी आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फेस वैल्यू इज द ओरिजिनल कॉस्ट जो शेयर के सर्टिफिकेट में लिखी होती है। अब जैसे फेस वैल्यू स्प्लिट होती है, कंपनी अपनी फेस वैल्यू को स्प्लिट करती है, तो कंपनी जो भी कंपनी अपने फेस वैल्यू को स्प्लिट करेगी उसी फॉर्म में वो अपनी शेयर्स को इंक्रीज करती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी कंपनी की ओरिजिनल फेस वैल्यू 2 रुपए है और उसकी फेस वैल्यू रिवाइज फेस वैल्यू 1 रुपए, मतलब कोई कंपनी अपने फेस वैल्यू को 2 रुपए से 1 रुपए कर रही है, मतलब आधा कर रही है। तो उसके ओरिजिनल जो शेयर्स थे वो 50,000 शेयर्स थे। तो जैसे ही वो अपनी फेस वैल्यू को 2 रुपए से 1 रुपए करेगी तो उसके जो 50,000 शेयर्स थे उसे 1 लाख शेयर्स कर दिए जाएंगे। क्यों? जैसे आप किसी कंपनी ने फेस वैल्यू 2 रुपए कर दी और अगर उसके शेयर्स 50,000 ही रहेंगे तो इन्वेस्टर को लॉस हो जाएगा, उसके पैसे आधे हो जाएंगे। ये जो प्रोपोर्शनेट है दोनों को बराबर रखने के लिए, जैसे फेस वैल्यू डिक्रीज की जाती है उसी प्रोपोर्शनेट में उसके शेयर्स इंक्रीज कर दिए जाते हैं ताकि आपकी जो टोटल वैल्यू है वो बराबर रहे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो होता है जो कंपनी को स्टार्ट करता है। सपोज कोई व्यक्ति है राम, इसने एक कंपनी स्टार्ट की XYZ, तो ये राम जो होगा इस कंपनी का प्रमोटर होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हु डिसाइड शेयर प्राइस। तो जैसा कि अभी हमने रिसेंटली में एग्जांपल लिया, राम है, इसने कोई कंपनी बनाई XYZ, तो सब फर्स्टली ये कंपनी छोटी होगी तो ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। जैसे जैसे ये कंपनी बड़ी होगी तो ये राम इसका IPO लेके आएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। लिस्ट होने के बाद जब उस कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग होने लगती है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग होने लगती है, तो उस कंपनी का शेयर प्राइस उसकी सप्लाई और डिमांड के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर किसी कंपनी के शेयर की प्राइस में हाई डिमांड है, मतलब सब कोई उसे बाय किए जा रहे हैं, बाय किए जा रहे हैं, तो उसके ऑटोमेटिकली उसका शेयर प्राइस इंक्रीज होगा। ऐसे वाइस वर्सा होता है, अगर किसी कंपनी के शेयर प्राइस की सेलिंग होती जा रही है तो उसका ऑटोमेटिकली प्राइस डिक्रीज होता चला जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। आपने CNBC में काफी बार सुना होगा कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन वो लोग बोलते हैं जनरली। तो टॉप लाइन वो होता है जो कंपनी की टोटल रेवेन्यूज और ग्रॉस सेल्स, मतलब टोटल सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, और बॉटम लाइन वो होता है जो कंपनी की टोटल नेट इनकम और प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपने कभी भी CNBC में सुना होगा कि कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ हो रही है, मतलब उस कंपनी में सेल्स इंक्रीज हो रही है या उस कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेयर स्प्लिट या स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है जो कंपनी लेती है अपने शेयर प्राइस को डिक्रीज करने के लिए। जिस प्रोपोर्शनेट में वो अपना शेयर प्राइस डिक्रीज करेगी उसी प्रोपोर्शनेट में वो अपना शेयर इंक्रीज करेगी। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं MRF शेयर्स का। MRF शेयर्स का अप्रोक्सीमेटली प्राइस होगा 70-80,000 प्राइस होगा। तो इसका इतना हाई प्राइस है कि कोई भी नॉर्मल इंसान इस शेयर को बाय नहीं कर पाएगा, जिससे इसमें ट्रेडिंग कम होगी, इस शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग की क्वांटिटी कम होगी। तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग ज्यादा होती रहे ये अपने प्राइस को डिक्रीज करती है कि ये कॉमन मैन उसे बाय या सेल कर सके। ज्यादा हाई प्राइस हो जाएगा तो कोई भी उसे बाय नहीं कर पाएगा। तो क्या करती है कंपनी, इसको अपने स्टॉक को स्प्लिट कर देगी, अपने प्राइस को जिस भी प्रोपोर्शनेट में स्प्लिट करेगी उतने ही प्रोपोर्शनेट में वो अपने शेयर्स की क्वांटिटी इंक्रीज कर देगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स वो एडिशनल शेयर्स होते हैं जो करंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए जाते हैं। सपोज एग्जाम्पल करते हैं, हम किसी इन्वेस्टर ने एक किसी कंपनी के 200 शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है और कंपनी डिक्लेयर करती है कि वो 1:4 का बोनस देगी। डेट इज 1:4 मीन्स उसे हर 4 शेयर्स में एक शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यहाँ पर 1:4 होता है मीन्स आपको 1 शेयर्स मिलेंगे इन प्रोपोर्शनेट ऑफ 4 शेयर्स होल्डिंग। यहाँ पर ये उल्टा होता है, इस वजह से आपको थोड़ा ध्यान देने लायक है। इसको मैं अभी मनी कंट्रोल में आपको सब शो करके दिखाऊंगा, बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट और फेस वैल्यू स्प्लिट।
कैसे आप चेक कर सकते हैं किस कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है अनाउंसमेंट डेट। अनाउंसमेंट डेट वो डेट होती है जिस डेट पे कंपनी अपने बोनस शेयर्स या स्प्लिट या डिविडेंड अनाउंस करती है। रिकॉर्ड डेट क्या होती है? रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिस डेट पे इन्वेस्टर को अपने शेयर्स डीमेट अकाउंट में होना जरूरी है, क्योंकि सबको पता होगा T+2 ट्रेडिंग डे का साइकिल चलता है। इट मीन्स आपको रिकॉर्ड डेट के दिन आपके पास आपके बोन डीमेट अकाउंट में जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं वो होने चाहिए, तभी आप अपने उस बोनस शेयर्स या डिविडेंड स्प्लिट का बेनिफिट उठा सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन क्या होते हैं? कॉर्पोरेट एक्शन वो एक्सचेंज होते हैं जो कंपनी लेती है, जैसे कि एग्जाम्पल में हो गए स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड, बोनस, राइट्स एक्सेट्रा, जो कि उसकी सिक्योरिटीज में चेंज लाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जब प्रैक्टिकली समझते हैं कि डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट और फेस वैल्यू स्प्लिट कैसे हम चेक कर सकते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है मनी कंट्रोल। तो आपको सिंपली यहाँ टाइप कर देना है moneycontrol.com एंड ये लोड होता है। कंटिन्यू टू moneycontrol.com, यहाँ पर ये सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको किसी भी कंपनी का नाम लिखना है, जैसे कि हमें सर्च करना है इन्फी, इन्फोसिस, तो हम टाइप करेंगे सिंपली इन्फी। एंड ये इन्फोसिस आ रहा है, इसका ये कोड है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये इन्फोसिस का प्राइस बताएगा कि इस टाइम पर इन्फोसिस का कितना प्राइस है, और यहाँ पर ये -10 शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि उस दिन लास्ट डेट, जिस दिन भी ट्रेड हुआ है उस दिन ये -10% -10 रुपीज, सॉरी 0.54% डाउन रहा है। यहाँ पर ये डे रेंज दिखा रहा है, मतलब जिस दिन ये ट्रेड हुआ है उस दिन ये इसका लो रहा है 1858, मतलब 1858 तक ये पहुंचा है, और हाई इसका रहा है 1894। ये उस दिन 1894 तक ट्रेड हुआ है, इससे ऊपर नहीं गया और इससे नीचे नहीं गया। 52 वीक रेंज, मतलब एक साल में सबसे इसका लोवेस्ट रहा है 1311 एंड सबसे हाईएस्ट रहा है इसका 1953। और वॉल्यूम मीन्स होता है उस दिन लास्ट ट्रेडिंग डे, जिस दिन भी ये ट्रेड हुआ है, जिस दिन का भी ये डेटा होगा 25 मार्च का, उस दिन इतने शेयर्स बाय और सेल हुए हैं, उसे वॉल्यूम कहते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स एक्सचेंजेस हैंड्स, बताए इतने शेयर्स बाय हुए एंड इतने शेयर्स सेल हुए। ओके, अब हम नीचे आते हैं। जब भी ये शेयर प्राइस 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, मतलब 9 से 9:15 प्री सेशन होता है, 9:15 पे जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो ये ओपन प्राइस है। ये ओपन प्राइस है, इस प्राइस पे शेयर ओपन हुआ था 1892 पे, और ये प्रीवियस क्लोज है, मतलब इससे पहले जो क्लोज हुआ होगा 3:30 पे मार्केट, उस टाइम पे ये प्राइस रहा होगा। वॉल्यूम मैंने अभी आपको बता ही दिया, हाई मीन्स वो हाई उस दिन का हाई, लो मीन्स इतना 1858 नीचे नहीं गया। इससे अपर सर्किट और ये लोअर सर्किट, इसको हम नेक्स्ट सेशंस में समझेंगे। अब हम आते हैं फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू इसकी 5 रुपीज है, जो मैंने आपको बताया था कि फेस वैल्यू क्या होती है, जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट में लिखी होती है, जिस वैल्यू पे प्रमोटर्स को शेयर्स मिलते हैं उसको भी फेस वैल्यू ही कहते हैं। ओके, अब हम यहाँ से नीचे आते हैं अपना चेक करने के लिए। यहाँ से नीचे आते हुए हमको देखना है कॉर्पोरेट एक्शंस। ये रहा कॉर्पोरेट एक्शंस, यहाँ पे आएंगे हम डिविडेंड पे। हमें डिविडेंड चेक करना है कि डिविडेंड कंपनी कैसे देती है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 26 अक्टूबर 2021 एक्स डेट, मतलब 26 अक्टूबर को आपको अपने डीमेट अकाउंट पे शेयर्स होने चाहिए डिविडेंड का बेनिफिट उठाने के लिए। डिविडेंड यहाँ पर दिया है कंपनी ने 15 रुपीज। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया था, मतलब इस कंपनी के इन्फोसिस की फेस वैल्यू 5 रुपए है।
तो कंपनी डिविडेंड दे रही 15 रुपीज का, मतलब 300% डिविडेंड ऑन फेस वैल्यू, ऐसे शो किया जाता है। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट वैल्यू दे दी है, तो ये एक्स डेट होती है, इस पे आपको शेयर होने आपके डीमेट अकाउंट में कंपलसरी होता है। उसके बाद आते हैं हम बोनस पे। बोनस जैसे कंपनी ने अनाउंस किया कि हम बोनस देने वाले हैं 1:1 में, ये अनाउंसमेंट डेट होती है 13 जुलाई को। अनाउंस किया कंपनी ने कि हम बोनस देंगे 1:1 में, मतलब एक शेयर पे एक फ्री शेयर देंगे। ये हो गई एक्स बोनस डेट। इस डेट पे आपको शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में होने चाहिए बेनिफिट उठाने के लिए। मैंने काफी बार ऐसे ही बोनस शेयर्स का प्रॉफिट उठाया है, क्योंकि कंपनी पहले ही बता देती है कि हम बोनस देने वाले हैं, उसके बाद कंपनी काफी टाइम देती है शेयर्स बाय करने के लिए। आप कभी भी किसी भी बीच पे आपको जब भी सही प्राइस मिले आप बाय कर सकते हैं और उसको छोड़ सकते हैं एक्स बोनस डेट के लिए, ताकि आप उस शेयर्स के बोनस शेयर्स का फायदा उठा सकें। अब आते हैं हम स्प्लिट्स पे। स्प्लिट्स पे जैसा मैंने आपको बताया कि फेस वैल्यू स्प्लिट हुआ करती है, जैसे इस कंपनी की ओल्ड फेस वैल्यू थी 24 जनवरी 2000 से पहले 10 रुपए, उसके बाद कंपनी ने इसकी फेस वैल्यू को 5 कर दिया, मतलब हाफ कर दिया। तो जो भी इसके शेयर्स होंगे वो उसी प्रोपोर्शनेट में, मतलब डबल हो गए होंगे जो भी शेयर्स होंगे। ये एक्स स्प्लिट डेट है, मतलब 24 जनवरी 2000 में आपको अपने शेयर डीमेट अकाउंट में शेयर्स होना जरूरी है, फिर न्यू फेस वैल्यू पे आपको शेयर्स क्रेडिट होने के लिए, जो भी एक्स्ट्रा शेयर्स हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे जो भी आपके शेयर्स, वैसे ही आपके जो प्राइस होगी शेयर्स की वो भी हाफ हो जाएंगे, क्योंकि फेस वैल्यू हाफ हो रही है। एंड यहाँ से मनी कंट्रोल से आप ये तीनों चीजें चेक कर सकते हैं, जो भी आपको मैंने अभी उसमें पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में समझाई थी, रिकॉर्ड डेट, अनाउंसमेंट डेट एंड बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट एंड फेस वैल्यू स्प्लिट, ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और आगे ही नेक्स्ट मैं अभी काफी लेक्चर्स वीडियो डालूंगा प्राइस एक्शन पे, इंट्राडे ट्रेडिंग पे, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आगे नेक्स्ट वीडियो के। टिल देन सी यू, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग।